उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भूस्खलन होने से रुद्रप्रयाग में करीब 20 गांव की सड़कों का संपर्क टूट गया है, जिससे ग्रामीणों और सैलानियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज की तिथि में कुल छोटी बड़ी 23 सड़कें अवरुद्ध हैं। इसमें एक स्टेट हाईवे है जिसे आधे घंटे में खोल लिया जाएगा। बाकी कम प्राथमिकता वाली विलेज रोड्स हैं। हमारे साथ लगभग 10-12 जेसीबियां काम कर रही हैं जो विभिन्न खंडों की हैं, और अधिकांश सड़कें अशांत की खुल जाएंगी। मात्र 2 सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर दीवारों की क्षति होने से सड़कें बंद हैं, और जनहित को देखते हुए दीवार निर्माण का शुरू करा दिया गया है। उसमें उसको खुलने में उतना ही समय लगेगा जितना कि दीवार निर्माण होने में लगता है। वो सड़कें भी आगामी 1 हफ्ते में खुल जाएगी। वहीं सरकार भूस्खलन होने से 24 घंटे में सड़कों को खोलने का दावा कर रही है, लेकिन जिस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसे सरकार के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।